हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 4.6। लेट्स सी एग्जांपल 27। आपको सॉल्व करनी है ये गिवन इक्वेशंस को यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, राइट, यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियरली समझाया है डिटेल में। आपको इसमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना होता है इक्वेशंस में, जब भी आप बेसिक प्रीवियस क्लासेस में भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आप वैल्यूज में क्या फाइंड आउट करते हो इक्वेशंस में, एक्स की वैल्यू मिल जाए या फिर वाई की वैल्यू मिल जाए, राइट, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी हम एक्सरसाइज 4.6 में भी क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड ओनली। सो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको अपने जो इक्वेशंस होती हैं उसको आप अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको 3 मैट्रिसेस बताए थे, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स जो होता है वो आपके राइट हैंड साइड में लिखा होता है, दैट इज़ 1, 7। एज इट इज़ वैल्यूज आपको उतारनी है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। सो यहाँ पर एक्स जो होता है वो वेरिएबल्स होती हैं जितनी आपकी इक्वेशंस में, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। सो आपकी वेरिएबल्स जो हैं इक्वेशंस में वो ओनली एक्स एंड वाई है, तो मैंने एक्स वाई उठा के लिख दिए हैं। अब ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं 2, 5, 3, 2, ये आपके आते हैं ए मैट्रिक्स। वेरिएबल्स के साथ की जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं ए मैट्रिक्स के अंदर। सो 2, 5, 3, 2 एज इट इज़ मैंने ए मैट्रिक्स में अपनी वैल्यू लिख दी है। सो यही जो इक्वेशंस हैं जिस फॉर्म में हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, आपके पास इस तरह से इक्वेशन आती है। क्योंकि इस फॉर्म में अपने मैट्रिसेस को रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको क्या मिलेंगी, यही इक्वेशंस मिलेंगी, राइट। सो मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में, राइट। सो अब आपके पास ये इक्वेशन है। इसके बाद जो मैंने स्टेप बताया था, स्टेप सेकंड, आपके पास ए मैट्रिक्स आ चुका है। अब आपको इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यू चेक करनी है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि आपको बस ये चेक करना है कि आपके जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, ए इनवर्स आता भी है या फिर नहीं आता है। सो 2, 5, 3, 2 आपको जब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट इसका, सो दैट मीन्स 4 - 15 दैट इज -11, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि आपका जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। सो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो आपकी जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब आपको पता चल चुका है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो आप इस इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करके देखोगे, ए इनवर्स के साथ दोनों साइड। सो जब आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आई और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ए इनवर्स बी। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, जब ए इनवर्स आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको हर बार सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अगर आप लिखोगे डायरेक्ट कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट योर ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, तो आप यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। आप ये चीज़ लिख सकते हो डायरेक्टली भी इसको बिना सॉल्व करे, बिना शो किए हुए, राइट। सो वैसे अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप अगर डिटेल में करके दिखाएंगे तो आपको एग्जैक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पर बेटर होगा कि आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगर एग्जाम में बहुत टाइम बचा हुआ है आपके पास तो आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं एक एक स्टेप। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स बी। अल्टीमेटली एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो कैसे वैल्यू मिलेगी, ए इनवर्स मिल जाए और आप इस बी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है अपने एक्स वाई की, जो कि आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेरा बेसिक नेक्स्ट काम क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। सो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, राइट, जो कि आपने एक्सरसाइज 4.5 में पढ़ा है, एडजॉइंट वाला, राइट। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू आपको देता है ए इनवर्स की। सो इसी मेथड से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेट्स सॉल्व दिस। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने से पहले, राइट, बिकॉज उसी की हेल्प से आपके एडजॉइंट ए की वैल्यू आती है।
सो डिटर्मिनेंट ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज -11. सो यहाँ पर आपके एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है मैंने विद द हेल्प ऑफ माइनर्स एंड को फैक्टर्स, एंड इन सब का ट्रांसपोज करने के बाद आपको फाइनल एडजॉइंट ए की वैल्यू मिलती है, राइट? सो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ चुकी है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास है, सो ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर सबसे पहले ए इनवर्स को ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में ही अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट? सो यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई. ए इनवर्स के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, 1/ डिटर्मिनेंट, दैट इज 1/ -11, जो कि मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एडजॉइंट ए के साथ, जो कि क्या है ये, दैट इज 2 -5 -3 2. अब यही मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ, और बी आपकी क्या है वैल्यू, 1 7, बिकॉज आपका बी मैट्रिक्स जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था, दैट इज 1 7. सो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपके पास टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप पहले करेंगे, बाद में ये वैल्यू जो है आपकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं ये वैल्यू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बन जाएगा, राइट? जैसे -2/11 यहाँ पर होगा, यहाँ पे 5/11 होगा, सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. सो आप 1/-11 को यहाँ पे बाहर एज इट इज़ रहने दो, इन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करो. और इन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 2×2, जबकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×1, राइट? सो यहाँ पे ये जो है इनर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं. सो ये वाला जो मेथड है वो मैंने आपको चैप्टर 3 मैट्रिसेस करवाने के वक्त बताया था, राइट? सो वहाँ पर जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं. सो अगर ये आपके इक्वल आ जाती हैं इनर वैल्यूज़, मतलब कहने का कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम वैल्यू है वो दूसरे मैट्रिक्स की रो वैल्यू के साथ इक्वल अगर आ जाती है, तब आपके जो मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल है, आप टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड बात ये है कि नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की आती है, ये जो रिमेनिंग बाहर वैल्यूज बची हैं, दैट इज 2×1 का बॉर्डर आएगा, दैट इज इसी फॉर्म का मैट्रिक्स आपको मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद. सो प्रोडक्ट करते हैं, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, दैट इज 2×1 +7 -5 -3 1 +2 7. सो 2 -35, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -33, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -11. सो ये जो वैल्यू है अब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -33 -11, ये इस तरह से वैल्यू आएगी. सो -1/11 -11, सो वैल्यूज़ क्या आएंगे आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 के टेबल में 33 कब आता है, 3 पर, और यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस पॉजिटिव. सो आपकी 3 और 1 वैल्यू आई है आपके एक्स मैट्रिक्स की. एक्स मैट्रिक्स कौन सा था, एक्स और वाई, और एक्स की वैल्यू क्या आई है, 3, वाई की वैल्यू क्या आई है, 1. आपको यही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. आई होप आपको एग्जांपल 27 क्लियर हो गया हो, क्योंकि एग्जांपल 27 की तरह ही आपको जो है अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, दैट इज 4.6. सो ये बहुत बेसिक है, बेस है आपका. अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टेप वाइज, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 4.6. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.